हेलो डियर, आज हम सभी क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केंद्रक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं केंद्रक किसको बोलते हैं। और केंद्रक को जानने से पहले आपको माध्यिका के बारे में जानना पड़ेगा। ये माध्यिका क्या होता है, तो आपके सामने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो त्रिभुज का तीन शीर्ष, एक शीर्ष ए है ये वाली, दूसरा शीर्ष ये वाली बी है, और तीसरा शीर्ष ये वाली सी है। और पी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है वो भुजा ए सी का मध्य बिंदु, और ये वाली जो आर है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम इस भुजा शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बी सी का मध्य बिंदु पी पर मिला दिए, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा ए सी का मध्य बिंदु क्यू से मिला दिए, और शीर्ष सी से इसके सामने के भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी से मिला दिए। तो ये आपकी माध्यिका कहलाएगी। यानी किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ ए पी, बी क्यू और सी आर जो है आपके माध्यिका है। अब ये केंद्रक क्या होती है, तो केंद्रक जो है तो माध्यिका से ही बनती है। बोलते तीनों माध्यिका जहाँ पे कटती है उस कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। तो आपको निर्देशांक ज्यामिति में इस केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, उसके लिए आपको शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा, और आपको केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला को हम जानते हैं, फॉर्मूला आखिर होती क्या है। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, केंद्रक का निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कहता है कि x का यदि मान आपको चाहिए, ये वाली x का मान चाहिए, तो बोलता है ये x1, ये x2 और ये x3, यानी प्रत्येक निर्देशांक का x का टर्म को जोड़ दीजिए और तीन से भाग लाइए। तो x का मान निकालना था, ये x1, x2 और x3 तीनों को जोड़ के हम तीन से भाग लाएंगे। उसी तरह से y का मान निकालना था, ये वाली y1, ये वाली y2 और ये वाली y3 तीनों को जोड़ के हम तीन से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो आपको ये केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 1, 2 है। 3, 4, 5, 6 और 1, 2 है। तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक निकालिए। तो देखिए, केंद्रक यानी इस समय x का यदि मान हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी जैसा आपने देखा कि हमने बोला ये वाली और ये वाली तीनों निर्देशांक का x का टर्म को हम जोड़ देंगे, तो आपका x का वैल्यू निकलेगा। जैसे 3 जोड़ 1 और ये 5, तीनों को जोड़ के हम तीन से क्या करेंगे, भाग लाएंगे। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 को तीन से भाग लेंगे, भाई कितने बार में कटेगा ये, 3 बार में। तो एक्स का मान आ गया आपका 3। उसी तरह से यदि आपको वाई का टर्म यदि चाहिए, तो वाई का टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये वाली y1, ये वाली y2 और ये वाली y3 तीनों को जोड़ेंगे, यानी 4 प्लस 2 प्लस 6 और बटे में 3। टोटल मिला के हो जाएंगे कितने, 6, 2, 8 और 4, 12 बटे 3, यानी 4 बार में कट गए। यानी आपका केंद्रक का निर्देशांक आया 3, 4। अब यहाँ पे क्या होगा, इस बार त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तो हमने केंद्रक का निर्देशांक निकाला। अभी आपके सामने केंद्रक का ही निर्देशांक दे देगा और दो शीर्ष दिया रहेगा, तीसरा शीर्ष का निर्देशांक निकालने बोलेगा। तो चलिए कैसे क्वेश्चन रहेगा और कैसे हम इसको बनाएंगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल। कहता है त्रिभुज के केंद्रक, देखिए इस बार केंद्रक का निर्देशांक दे दिया 3, 4 और उसके दो शीर्ष का निर्देशांक दिया 2, 3 और 1, 3। तो इसके बोलता तीसरे शीर्ष का निर्देशांक याद कीजिए। तो तीसरा शीर्ष मतलब इसका मान दे रखा है आपको, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 3 एक्स का मान, और फॉर्मूला में कहता है ये x1 का टर्म, ये x2 का टर्म और ये x3 का टर्म को जोड़िए। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3 और प्लस x3 और बटे में 3। तो यहाँ से यदि आप x3 का मान आप निकालें, तो आपका आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 9 आएगा, और ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9 में 3 चल जाएगा तो बचेगा आपका 6। उसी तरह से यदि हमको वाई का मान यदि चाहिए, इस वाई का मान हमको चाहिए तो वाई का वैल्यू आपको 4 दे रखा है, सॉरी इस वाई 3 का मान हमको निकालना है। तो फॉर्मूला होता है वाई बराबर, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू और प्लस वाई थ्री और बटे में 3। तो इस वाई का वैल्यू आपको दे रखा है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ये वाई वन और ये वाई टू जोड़ना है, तो वाई वन का मान आपका 3 है, वाई टू का मान भी आपका 3 है, तो 3 और 3 जुट जाएगा 6 हो जाएगा। और प्लस में इस वाई थ्री का मान पता नहीं है तो छोड़ देंगे यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, आपका यहाँ से वाई थ्री का मान आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 × 3 आएगा 12, और 12 में ये वाली इधर आके माइनस हो जाएगी तो वाई थ्री आएगा आपका कितना 6। तो यानी आपका तीसरे शीर्ष का निर्देशांक जो हो गया वो एक्स थ्री का मान भी 6 आया और वाई थ्री का मान भी 6, ये तीसरे शीर्ष का आपका निर्देशांक हो गया। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।